ज नो वी आर ऑन चैप्टर नंबर वन प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड टू डेइंग नंबर ट्वेल्व कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फेरन हाइट टू सेल्सियस ठीक है हमारे पास टेमप्रेचर की दो यूनिट होती है एक फेर एन हाइट होती है और एक सेल्सियस होती है ठीक है और जिस यूनिट में हम टेम्परेचर को मैयर करते हैं वो हमारे पास क्या होती है सेल्सियस होती है ठीक है तो हमने इसमें करना क्या है हमने फेरन हाइट से टेम्परेचर कन्वर्ट करना है किसमें सेल्सियस में ठीक है इनपुट में है टेम्परेचर इन फेरन मतलब कोई भी हम वैल्यू एंटर कर दें टेम्परेचर के ठीक है तो जो है ना फेरन में वैल्यू एंटर करेंगे हम और वो ऑटोमेटिकली हमें सेल्सियस में कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे रिक्वायर्ड आउटपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस प्रोसेसिंग कंप्यूट द टेम्परेचर इन सेल्सियस फ्रॉम फेर यूजिंग कन्वर्जन फार्मूला अब फेरन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये कन्वर्जन फार्मूला होता है ठीक है इस कन्वर्जन फार्मूला के थ्रू हमें ज्यादा सेल्सियस चाहिए होता है ना तो ये ये जो फार्मूला होता है इसके इसके यूज से हम जो है सेल्सियस को गेट कर सकते हैं ओके okay, एल्गोरिदम हमको स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर वन में हमेशा स्टार्ट लिखते हैं आपने सपोज करना है कि जो टेम्परेचर है फेर का वो हंड्रेड है और फेर को यहाँ पे हमने एफ के नाम से इसका वेरिएबल भी बना दिया स्टेप नंबर टू है कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस ठीक है ये फार्मूला हम एलगोरिदम जब लिखेंगे तो ये फार्मूला हमने लिखना है तो क्या होगा कि सेल्सियस फाइंड आउट करना है तो फाइव बाई नाइन अब फेर हाइट में हमने क्या चीज फाइंड आउट जो है ना कौन सा टेम्परेचर एंटर किया है मतलब कौन सी वैल्यू एंटर की है फेर हाइट की हंड्रेड हंड्रेड माइनस थर्टी टू अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसका आंसर होगा सेल्सियस का आंसर होगा ठीक है तो इतना साइज में आउटपुट सी हमारे पास सी आ जाएगा सी हमारे पास क्या सेल्सियस स्टॉप एल्गोरिदम ठीक है अब मैं आपको एल्गोरिदम दूंगी जिसमें आपने सेल्सियस से कन्वर्ट करना है फेरन में मैं आपको जो है फॉर्मूला भी जो है वो प्रोवाइड करूंगी ठीक है आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी थैंक यू सो so मच